इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में दिए गए ऑप्शन स्मार्ट चार्ट और चार्ट, यानी एमएस वर्ड में हम इन ऑप्शन से क्या काम ले सकते हैं और इनका क्या काम होता है। दोस्तों अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्मार्ट आर्ट एक्चुअल में ग्राफिक्स होते हैं। यहाँ से आप अलग अलग टाइप के ग्राफिक्स ले सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग तरह के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, रिलेशनशिप और मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें इस तरह के ग्राफिक्स मिल जाते हैं कि आपने बुक्स में देखा होगा कोई फॉर्मूला डालते हैं तो उस ग्राफिक को यहाँ से स्मार्ट आर्ट में आ करके लेते हैं। जैसा कि हमें कोई लिस्ट बनानी है तो लिस्ट पर क्लिक करेंगे, किस टाइप की लिस्ट आप बनाना चाहते हैं उसको चूज़ करेंगे और यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ बिल्कुल वैसी ही लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जब भी आप कोई स्मार्ट आर्ट यहाँ पर डालते हैं तो उसके साथ ही आपको डिज़ाइन का एक ऑप्शन मिलता है, और डिज़ाइन में जा कर के आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है ऐड शेप, इसमें आप और भी शेप ऐड कर सकते हैं। अगर आप लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड शेप आफ्टर पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी आपने सेलेक्ट किया था उसके बाद में एक इमेज आ जाएगी। यहाँ पर 3 कॉलम थे, अब यहाँ पर 4 हो चुके हैं। तो अभी हमें इसके बाद एक और कॉलम डालना है तो ऐड शेप पर क्लिक करेंगे, आफ्टर पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ जो हमने सेलेक्ट किया था उसके बाद एक शेप यहाँ पर आ चुकी है। जो हमने सेलेक्ट किया है अगर हमें उससे पहले एक शेप डालनी है, ऐड शेप पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड शेप बिफोर पर क्लिक करेंगे, जो हमने सेलेक्ट किया था उससे पहले यहाँ पर एक और शेप आ चुके। तो यहाँ पर आप एक लिस्ट बना सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसमें आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे एक दो नेम टाइप करके आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टाइल्स लेआउट मिलते हैं, यहाँ से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। जो लिस्ट का लेआउट है उसमें आप अलग अलग लेआउट दे सकते हैं। जैसा कि ये वाला हमने चूज़ कर लिया है तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा, और इससे हमें एक और बेनिफिट होगा, यहाँ पर हम एक इमेज भी डाल सकते हैं। जैसा कि हमें स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमें स्टूडेंट का फ़ोटो और उसकी डिटेल भरनी होती है तो हम ये वाला स्टाइल लेंगे, यहाँ इमेज पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी फ़ोटो डालना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इस इमेज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से बड़ा करेंगे तो ये काफ़ी काम का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपनी लिस्ट में अलग अलग स्टाइल्स डाल सकते हैं। जैसा कि हम इसे ये वाला स्टाइल रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो इसी तरह हम अपनी लिस्ट में स्टाइल्स भी डाल सकते हैं यहाँ से, तो उसके बाद हमारी लिस्ट कुछ और भी खूबसूरत लगेगी। स्मार्ट आर्ट के बाद यहाँ पर आता है चार्ट। चार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है एमएस वर्ड का, जिसके ज़रिए आप अपनी रेज्यूमे, अपनी बुक, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी फाइल में एक चार्ट डाल सकते हैं। जैसे कि आपसे कहा गया आप एक चार्ट बनाओ कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, और पॉपुलेशन में कितने हिंदूज हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, चार्ट बनाओ। तो आप क्या करेंगे, तो आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, यहाँ चार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ चार्ट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइन, पाई, बार, एरिया, इसमें से आप कोई एक चूज़ करेंगे। जैसे कि हमें पाई चाहिए, पाई में भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, किस तरीके का पाई चाहिए हम ये वाला चूज़ कर लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको एमएस एक्सेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक चार्ट बना रहे हैं। चार्ट में आपको यहाँ पर एमएस एक्सेल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट को एडिट करेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे इंडियन पॉपुलेशन, यहाँ पर हम डाल देते हैं हिंदू, यहाँ पर हम डाल देंगे 80, यानी 80% है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे मुस्लिम्स,
मुस्लिम में हम यहाँ पर डाल देते हैं 20%। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं सिख, सिख में हम यहाँ पर डाल देते हैं 15%। ईसाई में हम यहाँ पर डाल देते हैं 5%। तो इसके बाद यहाँ पर आप एमएस एक्सेल को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक चार्ट बन चुका है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है तो उसको हमने यहाँ पर रिलीजन के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर जो ब्लू है, जो सबसे ज़्यादा आबादी है, वो हिंदू है। यहाँ पर जो रेड है ये मुस्लिम है। तो यहाँ पर सिख है ये ग्रीन है, ईसाई है यहाँ पर ये ब्लू है। तो इस तरीके से आप एक चार्ट बना सकते हैं, आप किसी स्कूल का चार्ट बना सकते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि चार्ट कैसे बनाया जाता है। जैसे आप एक यहाँ पर चार्ट बनाते हैं तो उसके साथ ही आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है। फॉर्मेट में जा कर के यहाँ पर आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने चार्ट को एक स्टाइल दे सकते हैं, एक डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ से शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स, जैसा कि मैंने इमेजेस वाले ऑप्शन में आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलती है, डिज़ाइन। यहाँ डिज़ाइन में जा कर के तो यहाँ पर आप चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पाई लिया हुआ है तो यहाँ से हम कॉलम ले सकते हैं। तो कॉलम में यहाँ पर चूज़ करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए चार्ट टाइप चेंज हो चुका है। तो इसी तरह जिस तरीके का भी चार्ट आपको चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसा कि एक चार्ट बनाया है, इसमें हमने कुछ डिटेल्स डाली हैं, जैसा कि 80%, 20%, 15%, 5%। अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने यहाँ एमएस एक्सेल फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिख को 10% कर देते हैं, ईसाई हम 10% कर देंगे। यहाँ पर ये है हिंदू, इसको हम 75% कर देते हैं। यहाँ पर जैसे मुस्लिम है, इसको हम 25 कर देंगे। तो इसके बाद बस यहाँ एमएस एक्सेल क्लोज करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ चार्ट में अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्ट के स्टाइल्स मिल जाते हैं। स्टाइल्स में आप किस टाइप का स्टाइल देना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर देंगे। चार्ट का ऑप्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपको कई जगह पर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसी तरह मेरी आगे भी काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं अच्छी अच्छी। अगर आप सबने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।